जी देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। आयुक्त मुंडे को सीईओ पद से हटाया। मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे को नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ पद से हटाने का प्रस्ताव शुक्रवार को आयोजित संचालक मंडल की बैठक में बहुत मत से मंजूर हुआ। साथ ही सीईओ का प्रभार डिप्टी सीईओ महेश मोराने को देने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में महापौर संदीप जोशी ने कहा, पिछले 20 दिनों से सत्ता पक्ष जो बात कह रहा था आज वो सच साबित हुई। चेयरमैन प्रवीण परदेसी ने मुंडे को पदभार संभालने के लिए नहीं कहा था। मौखिक आदेश के आधार पर कोई सीईओ नहीं बन सकता है, मामले की जांच होनी चाहिए। 3 महीने में लिए गए निर्णय पर कानूनी सलाह लेने के निर्देश दिए गए हैं, उसके आधार पर ही अगला कदम उठाया जाएगा। तो वही आयुक्त तुकाराम मुंडे ने कहा कि चेयरमैन के आदेश पर ही सीईओ बना। 3 महीने के कार्यकाल में जो भी निर्णय लिया उससे उन्हें अवगत कराया। कचरा ट्रांसफर स्टेशन की जगह बायो माइनिंग को निधि देने के मामले से भी उन्हें अवगत कराया। जिस बिल को जारी करने पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी उसे चेयरमैन ने सही ठहराया है। मुंडे ने कहा, किसी भी लिहाज से मैं गलत नहीं हूँ। तो वही दूसरी ओर महापौर संदीप जोशी पर हुई फायरिंग प्रकरण की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। 7 माह बाद सक्रिय हुई सीआईडी इस गुत्थी को सुलझा पाती है या नहीं, इसे लेकर जानकार भी दुविधा में है। बता दी कि 17 दिसंबर की रात शादी की सालगिरह मनाकर होटल से लौट रहे संदीप जोशी पर अमरावती मार्ग के आउटर रिंग रोड पर फायरिंग की गई थी। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हैक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर भी देख सकते हैं और इसे YouTube पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS News Live के साथ। नमस्कार।